भाई अपने पास है सियाज अल्फा, नेक्सा ब्लू कलर है और ये ऑटो वेरिएंट है। फीचर्स काफी मिल जाते हैं हमें इसमें, अलॉय व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्रंट डिस्क रियर ड्रम मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हाइलोजन बेस हेडलैम्प्स DRLs वगैरह मिल जाते हैं, LED बेस है इसमें, शायद हाइलोजन नहीं है। और ना थोड़ा सा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे कि गाड़ी का चलाने में क्या मजा है। और ये ऑटो वेरिएंट है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसका गियर लीवर देख रहे होंगे, यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्स वगैरह सारे ही आपको ऑटो में देखने के लिए मिलेंगे। तकरीबन इसमें 7.75 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, बट ये USB के थ्रू कनेक्ट होगा। थोड़ा स्टीयरिंग और एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, स्पीड मीटर एनालॉग, RPM एनालॉग, बीच में MID दी हुआ है जिसमें आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आप चेक कर सकते हैं, रेंज वगैरह, ट्रिप वगैरह, ऊपर वेदर आ रहा है, टाइम आ रहा है। और यहाँ से भाई गाड़ी डाल लेते हैं ऑटो वेरिएंट में। जैसा आप देख रहे हो रिवर्स न्यूट्रल, ये ड्राइव मोड, ये टू इसलिए है कि जैसे कहीं आपका फंस जाए गाड़ी, मतलब 4x4 बन जाएगी सियाज आपका और इंस्टेंट पिकअप मिलेगा आपको गाड़ी में, तो मतलब फंसने का खतरा कम है, उसके लिए मारुति ने इंतजाम किया हुआ है। L है भाई, लोअर ड्राइव L, किसी और तरीके से मत लेना आप ये स्टेशन वगैरह के लिए। अब थोड़ा चला के देखते हैं गाड़ी कि क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है। अभी खाली एक्सीलेट तो किया नहीं है, ब्रेक ही छोड़े हैं। अब ये तो ऑटो गाड़ियों में सब में ही मिल जाता है आपको, गाड़ी आ जाता है 1000 RPM तक आ जाती है गाड़ी। और कहूँ भाई पिकअप की तो एक्सीलेट अभी नॉर्मली प्रेस किया है, हार्डली एक्सीलेट करके तो देख भी नहीं सकते इस रोड पे। अरे ड्राइविंग अटेम्प्ट में एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई मज़ा आ गया। सियाज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और यहाँ प्लेन देख लो आप, अच्छा जैसे गाड़ी चला रहे हैं। आप एक चीज बताओ, इसका जैसा इंटीरियर मिल जाता ना तो काफी प्रीमियमनेस फील देता, जो आपको वुडन ट्रीटमेंट मिलता है डुअल टोन में, नीचे वेज कलर देखने मिल जाता ऊपर ब्लैक, तो कहीं से आपको ऐसा लगता नहीं है, कहीं ना मारुति के अंदर प्रीमियमनेस आती है इन गाड़ियों के अंदर, सेडान के अंदर। मिड साइज सेडान है जो बोलते हैं, मिड साइज सेडान है, बाकी ठीक ठाक इसमें हमें बूट स्पेस वगैरह अच्छा देखने के लिए मिल जाता। और जहाँ जिस एरिया में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नियर बाय एयरपोर्ट हूँ महिपालपुर के आसपास, यहाँ आपको क्या ना ऑटो ट्रांसमिशन अब इतना कंपलसरी हो चुका है दिल्ली गुड़गांव NCR एरिया में खासतौर पर हमारे यहाँ, कि आप बम्पर टू बम्पर तो आप गियर बदल बदल के यार, या तो पैर में दर्द हो जाएगा या वैसे परेशान हो जाओगे। बजट कार के अंदर आपको सेडान कार मिल जाती है मारुति की, इसकी कंपटीटर बहुत है, जैसे आपका होंडा सिटी जा रही है आगे, वर्टस है, स्कोडा सलाविया है, अब वरना भी आ चुकी, बट वो जितनी ऊपर हाई सेगमेंट में पहुंच जाती है ये उतनी हाई सेगमेंट तक जाती नहीं है, 12 लाख के आसपास तक इसका टॉप मॉडल आ जाता है, 12-13 लाख का। मारुति की गाड़ी की एफिशिएंसी बताऊं आपको, सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसका कि जैसे आप चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं या थोड़ा बहुत जैसे अब रनिंग ट्रैफिक हमारे आगे, तो ना माइलेज कहीं तक सही देती है गाड़ी। अभी ये 10.5 किलोमीटर शो कर रही है MID में, और मारुति मेरा मानना ऐसा है, आपने मेरे साथ ब्रेजा की भी देखी होगी, एवरेज टेस्ट भी देखा होगा उसका, और जिसमें मैंने लास्ट में 19.9 किलोमीटर की माइलेज निकाली थी, भाई 20 तो उसमें पहुंचा ही नहीं, पता नहीं लॉक किया हुआ इन्होंने क्या चक्कर है, पहुंचा ही नहीं। बाकी गाड़ी में पिकअप वगैरह सियाज में जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है तो पिकअप वगैरह में कोई कमी नहीं है। और यहाँ अगर आपको गुड़गांव दिल्ली जैसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर 10-10.5 की भी माइलेज मिल रही है ना इन गाड़ियों के अंदर, तो सही है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप माइलेज की बात करो ना, माइलेज हमारा डिपेंड करता है टोटली ड्राइविंग स्किल्स पे, आप भाई गाड़ी रफ यूज करोगे, बदतमीजी से चलाओगे, गाड़ी के साथ बदतमीजी करोगे तो वो आपको माइलेज नहीं देगी। गाड़ी को ना बच्चे की तरह रखना पड़ता है, छोटे बच्चे की तरह उसको मेंटेन करके रखोगे, अच्छे से चलाओगे तो वो आपको प्यार देगी, और आप उसे कुत्तों की तरह भगाओगे, बुरा बिहेव करोगे किसी इंसान के साथ, वही गाड़ी वाला काम है, तो गाड़ी ना तो आपको माइलेज देगी और जल्दी गाड़ी आपकी ठप हो जाएगी। बाकी गाड़ी मुझे काफ़ी मजा आ रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ सियाज, इससे पहले मैंने सियाज चला के नहीं देखी, ना मैनुअल ट्रांसमिशन ना ऑटो, फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, और भी वो भी गुड़गांव में दिल्ली रोड पे हूँ मैं,
तो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा जा रहा है। अभी चलाई कितनी है गाड़ी, ज्यादा ज्यादा 4-5 किलोमीटर आऊंगा मैं, और काफी मजा आ रहा है ये ट्रैफिक के अंदर भी। एक चीज देखो, आप देखो 25.6 किलोमीटर लीटर 19 आ गया। ये ना ट्रैफिक के अंदर एक आपको आइडिया देती रहती है कि इतने तक आप माइलेज लोगे। उस चीज को ना 10.6 मैंने आपको दिखाई थी उसको ये मैं सोचना कि इसकी प्रॉपर माइलेज, अब यूं तो 20.4 भी आ गया। ये एक आपको आइडिया देती रहती है कि एक इस लिमिट तक आप अपनी गाड़ी से माइलेज ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग स्किल्स। अगर आपको ड्राइविंग स्किल अच्छे हैं तो आप उसकी वहां तक एवरेज ले सकते हो, 21 तक भी माइलेज ले सकते हो। फिलहाल ये 21 दिखा रही है, 21 किलोमीटर पर लीटर। और यहाँ आप देखोगे तो ट्रैफिक है भाई, ज्यादा एक्सीलेट नहीं हो पा रही गाड़ी, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। अब 20.9 आ गए, देखो एरोप्लेन ही एरोप्लेन जा रहे हैं आज से। आज ड्राइव कर रहे हैं तो एरोप्लेन ही एरोप्लेन दिख रहे हैं हमको, कहीं एरोप्लेन वाली फीलिंग ही तो नहीं दे रही है मेरे को। एरोप्लेन का भी रिव्यू दे दो, ड्राइविंग रिव्यू। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जैसे गाड़ी आपका आइडल ऑन ऑफ पे बंद हो जाती है ना, तो जो ये आपका स्टेयरिंग है थोड़ी देर बाद हार्ड होगा, बाकी कुछ टाइम तक ये आपका पावर ही वर्क करेगा जो आपको। अच्छा ये तो हो चुकी माइलेज की बात। अब जैसे मैं अभी आपको स्टेयरिंग दिखाता ना, आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो इसमें फंक्शन रहता है ऑन ऑफ का, यहाँ बटन भी मिल जाता है इसमें आइडल ऑन ऑफ का। इसका यार एक माइनस पॉइंट भी है, हम कहीं भी अब ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, 10 बार गाड़ी बंद हो चुकी, 10 बार स्टार्ट हो रही है, माइलेज का इस पे भी फर्क पड़ता है। जहां आपकी गाड़ी सेल्फ लेती है ना एक बार, तो वहां ये सोचो कम से कम 15 से 16 सेकंड के बराबर पेट्रोल पी रही है आपकी गाड़ी, जितना पेट्रोल आपका। तो ये चीज तो मैंने बता दिया आपको कि बार बार सेल्फ लेते, एक सेल्फ में तकरीबन 15 से 17 सेकंड के लीटर 15 से 17 सेकंड के बराबर पेट्रोल पी लेती है गाड़ी एक सेल्फ में। जितनी गाड़ी आपकी स्टार्ट है 15 से 17 सेकंड स्टार्ट खड़ी हुई है उतना पेट्रोल पीती है एक सेल्फ में। वैसे ये तो हम स्मार्ट हाइब्रिड चला रहे हैं, इसमें तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, बट जब बार बार बंद हो रही थी तो गाड़ी, मैंने सोचा ये भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाई स्पोर्ट्स वगैरह बताऊं, सीट कंफर्ट वगैरह बताऊं, ठीक है, अच्छा भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत बढ़िया वाला, बट ठीक लग रहा मुझे। थाई स्पोर्ट वगैरह ठीक है ड्राइवर साइड पे, बट थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी मारुति की तरफ से, बट फिर भी ठीक है अपनी सेगमेंट के हिसाब से। तो भाई ये तो सीट कंफर्ट जोन वगैरह की भी बातें हो चुकी, माइलेज वगैरह भी आपको दिखाया, इंटीरियर वगैरह भी दिखाया, ट्रैफिक बहुत है। अब कुछ वीडियो पूरी कवर करने का मन सा कर नहीं रहा, क्योंकि कहीं से थोड़ा सा खींच के देखने के लिए हार्डली एक्सीलेट करके देखूं, कहीं ऐसा मौका मिल नहीं रहा। फिर कभी ट्राई करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।